बहुजन समाज की खबर पाने के लिए अंबेडकर टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल कर आया था, ये बीएसपी चीफ उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने आगामी 23 जून को होने वाले लोकसभा उपचुनाव आजमगढ़ में उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। हालांकि पार्टी रामपुर में उपचुनाव नहीं लड़ेगी। बसपा के प्रदेश इकाई की 2 दिवसीय जिला एवं मंडल स्तरीय समीक्षा बैठकों के बाद पार्टी प्रमुख मायावती ने रविवार को यहां जारी एक बयान में कहा कि बसपा समिति संसाधनों वाली पार्टी है, जिसका मुकाबला बड़े बड़े पूंजीपतियों और धनसेठों के धनबल पर चलने वाली विरोधी पार्टियों के साम दाम दंड वेद आदि हथकंडों से लगातार होता रहता है। इसलिए पार्टी और इसके जनादार को नुमाइश व सह खर्ची वाले बैठकों से दूर रहकर छोटे छोटे घंटों बैठकों में बलबूत मजबूत करने होगा। बयान के मुताबिक बसपा की कैडर बैठक में उत्तर प्रदेश में आगामी 23 जून को होने वाले लोकसभा उपचुनाव में 1 सीट पर उम्मीदवार उतारने का फैसला लिया गया है।